हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं स्पीड ज्ञान। और आपको नॉलेज मिलती रहती है और नॉलेज हम लेके भी आते हैं। कुछ ऐसी वीडियो जो बेकार बनी थी, उसकी वजह से हम अच्छी वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं दिन पर दिन। तो आज हम आपको बताएंगे एक नया टॉपिक जो आपके सामने होगा और ये बताया जाएगा विशाल जी के द्वारा। और ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जिनको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया यानी लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी स्टैच्यू यानी मूर्ति जो है उनकी है। और ये विशाल जी आपको जानकारी देंगे इसके बारे में, तो देखते रहिए आप स्पीड ज्ञान हमारे साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। और मेरी तरफ से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर रोशन रहें, आप यूं ही लोगों में खुशियां बांटते रहें। जैसा कि हमारा चैनल है स्पीड ज्ञान, और इसमें हम हमेशा ज्ञान की बातें करते हैं, हमेशा नया 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 कुछ नया लाते ही रहते हैं हम। आज भी मैं आपके सामने जो टॉपिक लाया हूँ वो भी नया है, द स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आज हम बात करेंगे। एक ऐसे इंसान की कहानी पर बात करेंगे जिनको गांधी जी की तरह ही देश का फादर ऑफ नेशन कहा जाता था, सरदार पटेल, जिनका जन्म 1875 में हुआ, गुजरात गुजरात में हुआ था, नियर नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। तो आज मैं उनके बारे में अपने विचार रखने आया हूँ यहाँ पे। तो मैं आज उनकी मूर्ति की बात करूँगा जो कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के किनारे बनी हुई है, जिसकी स्थापना कांग्रेस सरकार में 31 अक्टूबर 2013 को हुई थी और इसे कंप्लीट किया मोदी गवर्नमेंट ने 31 अक्टूबर 2018 को। और दोस्तों, मैं बात करता हूँ उस मूर्ति के बारे में जिसे डिजाइन किया था राम बी सतुर ने, जो कि उसके डिजाइनर थे। और इस मूर्ति की हाइट है 182 मीटर और 527 फीट की ये मूर्ति है। अब मैं बात करता हूँ इस मूर्ति की खूबी की। तो इस मूर्ति में ये खूबी है कि 7.3 जो भूकंप की तीव्रता होती है उसको झेल सकती है, यानी कि 7.3 रिएक्टर जो भूकंप आता है उसको ये झेल सकती है। और इसमें 250 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवाएं चलती हैं उसको भी झेलने की क्षमता है। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ इसमें मटेरियल कौन कौन सा यूज़ हुआ है, क्या क्या इसकी स्ट्रेंथ है। मटेरियल इसमें जो यूज़ हुआ है वो हुआ है ब्रॉन्ज क्लैडिंग, इसमें ब्रॉन्ज क्लैडिंग हुई है, और कंक्रीट डाला हुआ है, आयरन आयरन से बनाया हुआ है इसको। तो अब मैं इसके प्राइस के बारे में आपसे बात करता हूँ। तो इस मूर्ति में कितनी लागत लगी है, कितनी लागत से इसको बनाया है, तो इस मूर्ति में 2,289 करोड़ की इनकम खर्च करके इस मूर्ति को बनाया गया है। एक भव्य मूर्ति है ये, एक अच्छी मतलब लागत में इसको बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इस मूर्ति की लाभ की, और बात करेंगे कि किस पर्पज से ये मूर्ति बनाई गई है। तो दोस्तों, लाभ ये है कि इस मूर्ति की वजह से हमारे जो विदेशी पर्यटक हैं ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होंगे। इससे क्या होगा कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छी होगी, इकोनॉमी अच्छी होगी तो ग्रोथ अच्छी होगी, और जो हमारे जो क्या कहते हैं शॉपकीपर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी भी इनकम बढ़िया होगी, उनको भी रोजगार अच्छा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल स्पीड ज्ञान सब्सक्राइब कीजिए। और यदि इस वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट्स के द्वारा हमें बताइए। और लास्ट में सभी को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने घरों में खुशियाँ बांटिए, दूसरों को भी खुश रखिए, गरीबों की मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच।